जैसे लक्ष्मी का संबंध मिष्ठान से है, वैसे ही अलक्ष्मी का संबंध खट्टी और कड़वी चीजों से है। यही वजह है कि मिठाई घर के भीतर रखी जाती है, जबकि नींबू और तीखी मिर्चें घर से बाहर टांगी जाती हैं। मिठाई लक्ष्मी माता को घर में बुलाने के लिए रखी जाती है अंदर, जबकि अलक्ष्मी द्वार पर ही नींबू मिर्ची खा लेती हैं और संतुष्ट होकर लौट जाती हैं। दोनों को ही स्वीकार किया जाता है, पर स्वागत एक का ही होता है। लक्ष्मी जी के दो स्वरूप हैं, भूदेवी और श्री देवी। भूदेवी धरती की देवी हैं और श्री देवी स्वर्ग की देवी। पहली उर्वरा से जुड़ी हैं और दूसरी महिमा और शक्ति से। भूदेवी सोने और अन्य के रूप में वर्षा करती हैं और दूसरी शक्तियां समृद्धियां और पहचान देती हैं। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी हैं, जो अपने पति श्री हरि विष्णु की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। श्री देवी चंचल हैं, विष्णु भगवान को हमेशा उन्हें खुश रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अगर विष्णु राजा हैं, तो भूदेवी साम्राज्य और श्रीदेवी उनका मुकुट उनकी राजगद्दी हैं। माना जाता है कि माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और शुक्रवार के दिन यदि इनकी पूजा की जाए तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए कई लोग व्रत भी किया करते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें लोग पूजते हैं, लेकिन पैसे से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर लोग माता लक्ष्मी की ही आराधना किया करते हैं। आज भी हम आपको माता से जुड़ी हुई ऐसी कुछ जानकारी प्रदान करेंगे, माता लक्ष्मी धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए और साथ ही साथ व्यक्ति को सुख और सौभाग्य भी प्रदान करती हैं। माता को लेकर एक बात कही जाती है कि उनकी बहन अलक्ष्मी हमेशा उनकी बगल में ही बैठती हैं, जो कि गरीबी दुख आलस्य दुर्भाग्य की देवी मानी जाती हैं। तो आइए जानते हैं माता लक्ष्मी किस प्रकार प्रकट हुई। माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों ही समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। माना जाता है कि मंथन में हलाहल भी था। लक्ष्मी तो सब चाहते हैं, लेकिन कोई भी हलाहल लेना नहीं चाहता है। ऐसा माना गया है कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति होने से पहले ही उनकी बहन अलक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, जो स्वभाव में माँ लक्ष्मी के बिल्कुल विपरीत हैं। अलक्ष्मी को ज्येष्ठा लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कोई भी शानदार चीज बिना कचरा पैदा किए नहीं बनती, वैसे ही लक्ष्मी के साथ हमेशा अलक्ष्मी भी होती है। अलक्ष्मी दुख की देवी है। माता लक्ष्मी का संबंध मीठे से है और अलक्ष्मी का संबंध खट्टी और कड़वी चीजों के साथ है। इसी वजह से मिठाई घर के भीतर रखी जाती है और नींबू और तीखी मिर्चें बाहर टांगी जाती हैं। लक्ष्मी माता मिठाई खाने घर के अंदर आती हैं, जबकि अलक्ष्मी द्वार पर ही नींबू और मिर्ची खा लेती है और संतुष्ट होकर लौट जाती है। अगर कोई दरिद्रता और दुख और दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है तो उसकी वजह जिन घरों में माता लक्ष्मी का निवास होता है वहाँ पर धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होती, लेकिन उसके लिए घरों में साफ सफाई और प्यार का होना अति आवश्यक होता है। अगर यह आपके घरों में भी है तो आप पर भी सदा के लिए महालक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी। अगर कोई दरिद्रता और दुख और दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है तो उसकी वजह भी इंसान ही होते हैं, क्योंकि अपने घरों में निवास करते हैं अलक्ष्मी, जो इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती हैं। जितना कमाओ उतना कम है, ऐसे घर वाले इंसान हमेशा समस्याओं से ही घिरे रहते हैं। वे हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। इनकी मुख्य वजह है कि घर में साफ सफाई का ना होना, साथ ही हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, जिससे कि अलक्ष्मी घर में निवास करती हैं और घर में धन धान्य की कमी हमेशा ही रखती हैं। पद्म पुराण में अलक्ष्मी देवी के बारे में बताया गया है कि देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए हुए समुद्र मंथन हुआ था। उसी समुद्र मंथन से अलक्ष्मी देवी उत्पन्न हुई हैं। देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जबकि अलक्ष्मी देवी का वाहन कौवा है, जो कि अशुभ माना जाता है। तो वहाँ अलक्ष्मी देवी ने आश्रम में प्रवेश नहीं किया। मुनि ने जब इसकी वजह पूछी तो अलक्ष्मी देवी ने कहा कि आश्रम बहुत साफ सुथरा है और वो
केवल ऐसे घर में रह सकती हैं जहां गंदगी हो, हमेशा लड़ाई झगड़ा हो, जहां पूजा पाठ ना हो, जहां सम्मान ना किया जाता हो। ज्येष्ठा देवी यानी लक्ष्मी देवी अशुभ घटनाओं, गरीबी, दुख, कुरूपता की देवी हैं। इनका किसी भी घर में वास करना उस घर का सर्वनाश की वजह बन सकता है, इसीलिए लोग इनकी पूजा अपने घरों से दूर रहने के लिए करते हैं। माना जाता है कि घरों में जहाँ गंदगी होती है, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ प्रवेश होता है माता अलक्ष्मी का, और जहाँ इसके विपरीत पूजा होती है, अर्चना होती है, साफ सफाई होती है, वहाँ माता लक्ष्मी निवास करती हैं।